Today I am going to tell you a very important thing about the mistake in chain of Yamaha RX-100 which can be done by the non-experienced mechanic. In fact, I never allowed to service any other person besides my 25-year experienced technician. Once my technician was out of station and my bike chain was loose on those days and used to touch with chain cover, so I decided to show it to a local mechanic, but he did unsatisfactory work and he did a big mistake in my bike chain. After that I assumed that all work was okay, but when I showed this bike to my technician, then he pointed out about this mistake and told me about the result. Then I realized that I should not have shown this bike to the local mechanic. But what was the mistake? To see that, watch this video further. आज मैं आपको Yamaha RX-100 की चेन में हुई गलती के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो कि गैर अनुभवी मैकेनिक द्वारा की जा सकती है। वास्तव में मैं अपने 25 साल अनुभवी कारीगर के अलावा मैं किसी अन्य व्यक्ति से सर्विस कराने की अनुमति नहीं देता, लेकिन एक बार जब मेरा कारीगर आउट ऑफ स्टेशन था तब मेरी बाइक की चेन उन दिनों ढीली थी और चेन कवर से टच करती थी, तो मैंने स्थानीय मैकेनिक द्वारा चेन सर्विस कराने का निर्णय लिया। लेकिन उसने असंतोषजनक काम किया और उसने मेरी बाइक की चेन में एक बड़ी गलती की। उसके बाद मैंने ये मान लिया कि सभी काम ठीक थे, लेकिन जब मैंने इस बाइक को अपने कारीगर को दिखाया तो उसने मुझे यह गलती बताई और परिणाम के बारे में भी बताया। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस बाइक को स्थानीय मैकेनिक को नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन गलती क्या थी? इस वीडियो को देखने के लिए आगे देखिए। ये जो आपने करवाया ना, जिससे पहले काम करवाया होगा, ठीक है जी, ये लॉक उसने उल्टा लगा रखा है। अच्छा। ऐसे लॉक ऐसे कभी नहीं ऐसे लगता, क्योंकि चेन जो है आगे को चलेगी। यहाँ पे लोकल एरिया का, हाँ, बस उसने करा होगा, उसको पता नहीं होगा। ये चेन का लॉक जो है पीछे ऐसे लगता है, ताकि इन केस मान लो चेन कवर आउट हो जाए या कुछ चीज़ हो जाए, कुछ चीज़ फंस जाए, ये लॉक खुलेगा नहीं। ऐसे लॉक खुल जाता है ऐसे जाने के बाद, फिर आपका कुछ भी डैमेज हो सकता है उससे, इसीलिए लोकल बंदों को मैं दिखाना नहीं चाहता। और ये टाइट है ना, वो पूरी है, वो कोई दिक्कत नहीं। ये भी स्टैंडर्ड साइज होता है क्या? सभी में लग जाता है? नहीं, सब में नहीं लगता, आजकल चेंज हो गया। अभी ये देखो जी, ये लग रहा है, देख रहे हो, ये इसका लगाने का ये स्टाइल है। कुछ इसके बारे में बताना कि लगाया कैसे जाए? हाँ, ये ऐसे ही लगाया जाएगा ना, उल्टा कैसे लगा होता है ये अनाड़ी मैकेनिक आपको जो है ऐसे नहीं लगाना इसका, ऐसे नहीं। ये जो कट है ना, ये आपका आगे की तरफ नहीं होगा, ये पीछे की तरफ हुआ, ऐसे करके लगता है। ये आपका फंसाया, अच्छा, यहाँ लगाया इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसको आपने प्लास से दबाना, ये दबाना, ये बैठ गया। इसको बाद इसको हल्का सा प्रेस करना, प्रेस करना, ठीक है। अब ये हो गया जी, अब ये चेन ऐसे जाएगी जी आपकी, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट। और साफ़